सुरक्षा कानून के नाम पर ट्रक ड्राइवरों के, यानी कि जो ड्राइवरों के लिए नया कानून आया है, मध्य प्रदेश में एक मीटिंग चल रही थी और मध्य प्रदेश के शाजापुर के जो डीएम यानी कि कलेक्टर हैं, उनने जब एक गरीब ट्रक ड्राइवर को न्यू कहा कि तू अपनी औकात में रहो, क्या औकात है बेला तेरी, एक गरीब ट्रक ड्राइवर को उसकी औकात कहना, औकात में रहने के लिए कहना, उस कलेक्टर को कितना महंगा पड़ गया उसकी धरती तस्वीर दिखाएंगे, किसे की गरीबी का मजाक उड़ाना किसे के लिए कितना महंगा पड़ सका है, ये देखो मध्य प्रदेश के जो सीएम है उनका पहले बयान सुनो, उसके बाद बताऊंगा पूरा मामला सुनो। मेरे ध्यान में लाया है कि कल ट्रक ड्राइवर और जिला प्रशासन की बैठक में शाजापुर के अंदर जिस प्रकार से भाषा बोली गई, अधिकारी को यह भाषा बोलना उचित नहीं है और खासकर ये सरकार तो गरीबों की प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम गरीब उत्थान के लिए काम करते हैं और ऐसे में हरेक अधिकारी को, वो कितने बड़ा अधिकारी, उसको गरीब की काम का भी सम्मान करना चाहिए और भाव का भी सम्मान करना चाहिए। इसलिए मनुष्यता के नाते से ये भाषा है, कम से कम हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं। मैं खुद मजदूर का परिवार का निकला हुआ बेटा हूँ, इस नाते से मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे इस प्रकार से अधिकारियों को, अगर वो ये भाषा बोलते तो उनको मैदान में रहने का अधिकार नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोबारा जो अधिकारी आएगा वो इस प्रकार की भाषा का और व्यवहार का ध्यान रखेगा और इस प्रकार की भाषा जो बोली जाती है, मेरे मन में बहुत पीड़ा हुई इस बात की, मैं कभी क्षमा नहीं करूँ इस तरह की बातों को। धन्यवाद। तो ये देख सको भाई, और ये यानी कि उस जिला अधिकारी को तुरंत प्रभाव से हटा दिया, ये है भाई एक्शन। यानी कि डॉक्टर मोहन यादव जो कि मध्य प्रदेश के सीएम हैं, उनके द्वारा लिया गया जो एक्शन है, यानी आज वो जो कलेक्टर है वो माफी मांगता फिरा है, ये हालात है। क्योंकि तो हमने बोला भाई नागरिक सुरक्षा कानून के नाम पे जिस तरह से ड्राइवरों के लिए एक कानून लेकर आई थी सरकार, जिसको फिलहाल तो खैर विचाराधीन बना दिया है, लेकिन उसी सिलसिले में मध्य प्रदेश का जिला शाजापुर में ये मीटिंग चल रही थी जिला कलेक्टर और ट्रक ड्राइवरों के बीच में। जब जो ट्रक ड्राइवर अपनी बात रखने खातर जब जिला कलेक्टर के सामने अपनी बात रखा है, तो वो आवाज की थे उसने ऊंची लग है उस अधिकारी ने, तो अधिकारी ने उसको शिष्टाचार के तरीके से कहने की बजाय नुकाह दिया कि तू तो अपनी औकात मरो। तो वो जो गरीब जो ट्रक ड्राइवर है वो सिर्फ इतना ही कह पाया कि भाई या हमारी औकात है, इतनी औकात है, जिबे तो हम गरीब हाँ और आपका आगे अपने अधिकारों की भीख मांगने लग रहे हैं, सिर्फ इतना बोलना पाया वो ट्रक ड्राइवर। तो तमंदाला भाई जिस तरह से देश में गरीबों की अगर मैं बात करूं तो लगभग 80-85 करोड़ गरीब लोग हैं, उनको अगर इस तरह से अधिकारी अगर न्यू बोलेंगे भी तम अपनी औकात मरो, तो के उनका दिल पर बीतता है। एक गरीब का अपमान करना जिला कलेक्टर को बहुत महंगा पड़ गया, और वाक्य में ये जो एक्शन लिया है ये बहुत बढ़िया कराया और अधिकारियों के लिए भी बहुत बड़ा सबक है ये उन दूसरे अधिकारियों के लिए, ताकि वह भी जब कोई मीटिंग है, कोई बातचीत है या कोई गरीब आदमी अपनी बात रखा है तो भाई उसकी बात सुननी चाहिए, उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, ना कि उसको नुकाह कर उसको दरकिनार कर दिया जाए अभी तो अपनी औकात मरो। फिलहाल कलेक्टर को उसकी औकात का बेरा पड़ गया भाई। तो वीडियो ने ज्यादा शेयर कर दिया भाई, ताकि किसी की गरीबी का मजाक उड़ाने पहले कोई भी अधिकारी 100 बार सोच के जी बोल रहे कर दो शेयर। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू, जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान।